निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर, दलित, किसान, बकरी, भेड़, गाय, भैंस जैसे दुधारू पशुओं का पालन करके अपना दैनिक व आवश्यक खर्चा चलाते हैं। पिलानी विधानसभा क्षेत्र में पानी की भयंकर किल्लत है, इस वजह से कृषि कार्य होना लगभग समाप्त हो चुका है। पशु ही एकमात्र उनका सहारा है। पशुओं की बीमारी या अन्य आकस्मिक कारणों से जब मृत्यु हो जाती है तो वह पूर्णतः असमर्थ हो जाता है। इसकी आजीविका के जो साधन है वो पूर्णतः खत्म हो जाते हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र पिलानी में ग्राम पंचायत नारी के ग्राम बिजलालपुरा में एक जंगली जानवर भेड़िए ने 24/12/2023 को 108 भेड़ों को मार दिया, जिनमें बकरियां भी सम्मिलित थी। पशुपालक का जो रिपोर्ट दी उसके आधार पे पशु चिकित्सा अधिकारी बख्तारपुरा द्वारा ये रिपोर्ट आई और उसमें माना कि जंगली जानवर था, उसकी वजह से ये हत्या क्या है कि मारी गई। पशुपालक सुरेश कुमार पुत्र गुरदयाल को आज दिनांक तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया, उसको मुआवजा दिया जाए। अतः मेरी मांग है कि बकरी, भेड़ तथा अन्य पशुओं का बीमा करवाया जाए, वह प्राकृतिक कारणों से पशु की मृत्यु पर मुआवजा दिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। माननीय सभापति महोदय, पशुपालकों को भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी और सूअर पालन पर सस्ती दरों पर लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको बिना कोई गारंटी लिए बहुत कम दर पे क्या कि ऋण दिया जाता है, जबकि पशुपालक है उनको चक्कर काटने के बाद में ऋण नहीं मिलता है। तो उस ऋण का सरलीकरण किया जाए और आसान किस्तों पे उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाए, इससे उनकी आजीविका चल सके। विभाग में जिला व संभाग स्तर पर वरिष्ठता को ताक पर रख के बिना किसी वरिष्ठता के आधार पर अधिकारियों को कार्य व्यवस्था लगाया जाता है। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा सभापति के माध्यम से कि उनको वरिष्ठता के आधार पर व्यवस्था लगाया जाए। झुंझुनू जिले के अंदर संयुक्त पद पर डॉक्टर सुरेश सुरा को लगा रखा है, जबकि डॉक्टर शिवरतन है उनसे काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी है। तो वरिष्ठता को लगाए जाने पर उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, वह कार्य कुशलता में इसका इजाफा होगा। माननीय सभापति महोदय, विभाग में जो विभिन्न संवर्ग हैं उनकी डीपीसी काफ़ी समय से लंबित है। जैसे पशु चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है, उसकी 7 वर्ष से डीपीसी बकाया है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी से उपनिदेशक है, उसकी 14 साल से डीपीसी बकाया है। माननीय सभापति महोदय, उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक उसकी 4 वर्ष से बाकी है। संयुक्त निदेशक से अतिरिक्त निदेशक है उसके 2 वर्ष की बाकी है। वह निदेशक की 1 वर्ष की डीपीसी बकाया है। अतः मेरी मांग है कि इन पदों की डीपीसी शीघ्र संपन्न करवाकर कार्मिकों को राहत प्रदान करें, इससे इनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। विभाग में रिलीफ सोसाइटी बनाई गई थी, वर्तमान में उनकी स्थिति अक्रियाशील है, इन सोसाइटियों को क्रियाशील किया जाए। इसी के साथ पशु मित्र योजना के तहत 5,000 पशु मित्र लगाए हैं, उनको समय पर मानदेय नहीं दिया जा रहा है, उनको मानदेय देने की व्यवस्था की जाए। माननीय सभापति महोदय, ब्लॉक वेटनरी हेल्थ अफसर को नियंत्रण के अधिकार नहीं दिए गए। अन्य विभागों में जो ब्लॉक लेवल पर अधिकारी है उसके नियंत्रण के अधिकार है सारे दिए गए। तो मेरी माननीय मंत्री महोदय निवेदन है कि अन्य विभागों की तरह से उसको भी नियंत्रण के संपूर्ण अधिकार दिए जाएं, जिससे विभाग में कार्य अच्छी तरह से संपादित होंगे। नोडल अधिकारी का पद है, उसको नोटिफाइड नहीं करवाया गया। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है तथा है समस्त नियंत्रण के अधिकार इनको दिए जाएं और इस नोडल अधिकारी को नोटिफाइड करवाया जाए। संभाग स्तर के कार्यालयों, जिला स्तर के कार्यालयों, बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालयों,
वह अन्य समस्त स्तर की संस्थाओं में पदों का सामान्यकरण किया जाए। ये 2012-13 में सामान्यकरण किया गया था, आज तक नहीं किया गया, तो मेरा निवेदन है कि इन पदों का सामान्यकरण किया जाए। माननीय सभापति महोदय, जो निदेशक गोपालन विभाग है, पूर्ववर्ती गौ सेवा निदेशालय था, का पद पशुपालन सेवा केंद्र में नोटिफाइड है, प्रशासनिक सेवा में नहीं है। केवल एक वित्त विभाग के नोट के आधार पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लगाए जा रहे हैं। क्यों हो जाए तो थोड़ी पशुओं की बात भी कर लेना। अब पशुओं की करा और सुनो, आप पशुओं को तो आप लोगों ने सभी ने कर ली, इन कर्मचारियों की भी करने दो, और बीच में मत बोलो आप। अब मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में मत बोलो। पशुपालन सेवा संवर का होने से गौ सेवाशालाओं का अधिक लाभ होने की संभावना है। गौ सेवा संरक्षण संवर्धन एवं नस्ल सुधार के साथ ही निराश्रित गौवंश के रख रखाव आदि के कार्य, जिसमें पशुपालन विभाग के अधिकारियों वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, अतः उक्त को अधिकार बेहतर करने के लिए निदेशक गौपालन विभाग के पद पर तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति महती आवश्यकता है। गौपालन विभाग में प्रत्येक जिले में वर्तमान में कोई पद स्वीकृत नहीं है, तो गौ सेवा के हक में संयुक्त निदेशक उपनिदेशक स्तर का एक पद सृजित किया जाए। उक्त पदों के सृजन से गोपालन विभाग की जिला स्तर पर इकाई होने से जिले के गौ सेवा संरक्षण संवर्धन एवं नस्ल सुधार के साथ ही निरीक्षण अनुदान व भुगतान आदि में गुणात्मक सुधार होगा, साथ ही कार्य की मॉनिटरिंग भी सुचारू रूप से हो सकेगी। गोपालन विभाग में तहसील स्तर पर वर्तमान में कोई पद स्वीकृत नहीं है। तहसील स्तर पर एक पद वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी अथवा पशु चिकित्सा अधिकारी का सृजन किया जाए। तहसील स्तर पर पद सृजन से गोपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं यथा गौ सेवा संरक्षण संवर्धन एवं नस्ल सुधार के साथ ही गौशाला निरीक्षण अनुदान व भुगतान आदि में समस्या का समाधान व गुणात्मक सुधार होगा। गोपालन विभाग में तहसील स्तर पर गौशाला निरीक्षण हेतु कोई वाहन स्वीकृत नहीं है, अधिकारियों को स्वयं के साधनों से सब करना पड़ रहा है। अभी आप लोग बता रहे थे इस प्रकार की गड़बड़ी कर दी है, यदि निरीक्षण के अधिकार और साधन उपलब्ध होंगे तो इस प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं होंगी। गोपालन विभाग में तहसील स्तर गौशाला निरीक्षण हेतु यथासंभव तहसील स्तर जिला स्तर पर वाहन स्वीकृत किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, आपने बोलने का शोर से दिल से धन्यवाद।